हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पीयू अकेडमी। आज की वीडियो हमारी डे सिक्स की है, जिसमें कि हम बौद्ध धर्म के बारे में जानने वाले हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज की जो हमारी वीडियो है वो है बौद्ध धर्म। ठीक है, आज किसके बारे में जानेंगे हम? बौद्ध धर्म के बारे में जानेंगे। बौद्ध धर्म में देखिए, सबसे पहले यहाँ पे मैंने एक छोटा सा, जैसे कि मैंने इससे पहले जैन धर्म में आपको पूरी तरह से एक सारणी सी बना दी थी, ऐसे ही यहाँ पे बनाया है। हमने बहुत सारी बातों को शॉर्ट में जाना है। ठीक है, तो छोटे छोटे तरीके से हम जैसे जैसे चीज़ों को जानते जाएंगे, याद करते जाएंगे। ठीक है, और कुछ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं वो हम पॉइंट में लिखेंगे। ठीक है, तो उसे आप वैसे ही नोट कीजिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और एक एक करके हम सारी बातों को बौद्ध धर्म के बारे में जानते हैं। ठीक है, एक एक करके हम चीज़ों को जानेंगे और साथ साथ याद करते चलेंगे। ठीक है, तो आप लोग भी मेरे साथ याद कीजिएगा। अब देखिए, सबसे पहले अगर हम बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ रहे हैं तो हम जानेंगे संस्थापक। संस्थापक यानी कि बौद्ध धर्म की जो स्थापना है वो किसने की। बौद्ध धर्म की स्थापना करने वाले जो थे वो थे गौतम बुद्ध। कौन थे? गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध को एक अन्य नाम से भी जाना जाता है। अन्य नाम क्या है उनका? एशिया की ज्योति। आप इसमें यहाँ लिख सकते हैं कि अन्य नाम है ये इनका। ठीक है, यानी कि अगर क्वेश्चन पूछा जाए आपसे कि एशिया की ज्योति किसे कहा जाता है, तो एशिया की ज्योति किसे कहा जाता है? गौतम बुद्ध को कहा जाता है। ठीक है, और गौतम बुद्ध कौन है? बौद्ध धर्म के संस्थापक हैं। या फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है, तो वो कौन है? गौतम बुद्ध हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आप पे आता है जन्म एवं जन्म स्थान। तो कि गौतम बुद्ध जो है उनका जन्म कहाँ हुआ था? ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 563 ईसा पूर्व, यानी कि 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी में जो गौतम बुद्ध हैं उनका जन्म हुआ था। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाएगा कि गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो 563 ईसा पूर्व हुआ था। या फिर गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो लुम्बिनी में हुआ था। ठीक है, उसके बाद गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या था? शुद्धोदन। ठीक है, क्या नाम था? शुद्धोदन। माता का नाम क्या था? माया देवी। माया देवी जो थी वो गौतम बुद्ध की सगी माँ थी, और प्रजापति गौतमी, प्रजापति गौतमी जो थी वो सौतेली माँ थी। ठीक है, तो गौतम बुद्ध की दो माँ थी, पहली जो थी वो माया देवी थी, और जो सौतेली माँ थी वो कौन थी? प्रजापति गौतमी। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या याद रखना है, पहले हम आधे का जल्दी से रिकैप ले लेते हैं कि संस्थापक कौन है बौद्ध धर्म के? गौतम बुद्ध, जिन्हें अन्य नाम से किस नाम से जाना जाता है? एशिया की ज्योति। इनका जन्म कहाँ हुआ था और कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था। पिता का नाम है शुद्धोदन, माता का नाम माया देवी, और सौतेली माँ का नाम प्रजापति गौतमी। ठीक है, उसके बाद देखिए इनके बचपन का क्या नाम था? बचपन का नाम रहा सिद्धार्थ। क्या नाम था बचपन का? सिद्धार्थ। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। ठीक है, विवाह विशेष, यानी कि उनके विवाह से जुड़ी बातें। तो यहाँ पे देखिए कि उनके जो विवाह हुआ था कब हुआ था? गौतम बुद्ध का विवाह हुआ था 16 वर्ष की आयु में। ठीक है, और इनकी पत्नी का नाम क्या था? यशोधरा, और पुत्र का नाम क्या था? राहुल। ठीक है, ये चीज़ आप याद रखेंगे। क्या याद रखना है यहाँ पे? विवाह कब हुआ था? 16 वर्ष की एज में इनकी शादी हुई थी। पत्नी का नाम यशोधरा और बेटे का नाम राहुल। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए एज काफ़ी दी गई है यहाँ पे, मतलब क्या है आपको टाइमिंग ज़्यादा बताई गई है। इतना ज़्यादा एग्ज़ाम में टाइम नहीं पूछा जाता कि किस एज में शादी हुई थी या क्या कब क्या हुआ था, लेकिन यहाँ पे फिर भी हम ये कहेंगे कि आप अगर याद रखेंगे तो थोड़ा आइडिया हो जाएगा। ठीक है, कि 16 वर्ष की एज में जो गौतम बुद्ध हैं उनकी शादी हुई थी। ठीक है, इनकी मृत्यु कब हुई थी? 483 ईसा पूर्व हुई थी कुशीनारा में। कुशीनारा कहाँ पे है? प्रेजेंटली अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में ये आता है। ठीक है, कहाँ पे? और जो ये मृत्यु है उसे क्या कहा जाता है? महापरिनिर्वाण। ठीक है, ये जो है ना महापरिनिर्वाण, ये मृत्यु को ही कहा जाता है बौद्ध धर्म में, मृत्यु का ही दूसरा नाम समझ लीजिए। तो आपसे एक क्वेश्चन बन जाता है कि बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण किसे कहते हैं? तो मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहते हैं। ठीक है, बौद्ध धर्म के अनुसार मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। तो जो गौतम बुद्ध हैं उनकी मृत्यु कब हुई थी? 483 ईसा पूर्व हुई थी। ठीक है, 483 ईसा पूर्व कहाँ पे? कुशीनारा उत्तर प्रदेश में। ठीक है, फिर आता है कि इन्होंने कब गृह त्याग किया, जिसे गृह त्याग यानी कि घर को छोड़ना, जब ये संन्यास ले गए थे तो जाहिर सी बात है घर को छोड़ा होगा। तो जब गृह त्याग करते हैं तो उसे बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता है? महाभिनिष्क्रमण। ठीक है, क्या कहा जाता है? महाभिनिष्क्रमण।
तो ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। गृह त्याग को क्या कहते हैं? महाभी निष्क्रमण। और ये कब किया था? 29 की एज में, ठीक है। 16 साल की एज में शादी की थी और 29 साल की एज में अपना घर परिवार छोड़ के संन्यास ले लिया था, ठीक है। अब यहाँ पे ये चीज़ देखिए, ये वाला जो पॉइंट है ये भी थोड़ा इम्पॉर्टेंट है कि सिद्धार्थ जब कपिल वस्तु की सैर पर निकले तो उन्होंने निम्न चार दृश्यों को देखा था। तो जब सिद्धार्थ घर से कपिल वस्तु की सैर के लिए निकले थे तो उन्होंने क्या देखा था? चार चीज़ें देखी थी, जिसके बाद उन्होंने डिसाइड किया था कि अब मुझे सांसारिक मोह माया छोड़ के संन्यास ग्रहण कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि सिद्धार्थ ने क्या चार चीज़ें देखी? भाई आप अगर कहीं घूमने गए और आपने कौन सी ऐसी चार चीज़ें देखी कि आपका मन ही भर गया दुनिया से कि मुझे दुनिया में अगर रहना है भाई संन्यास लेना है, घर परिवार मोह माया में नहीं फंसना। तो यहाँ पे वो चार चीज़ें देखते हैं। पहली चीज़ क्या है? बूढ़ा व्यक्ति, दूसरा एक बीमार व्यक्ति, तीसरा शव और चौथा एक सन्यासी। तो यहाँ पे देखिए, जब ये सिद्धार्थ ने देखा था, ठीक है, तो उसने क्या जाना कि दुनिया में सब कुछ मोह माया है, ठीक है। बूढ़ा व्यक्ति यानी कि आप एक समय के बाद बूढ़े होंगे, बूढ़े होंगे तो आपको तकलीफ़ होगी, दर्द मिलेगा, दुख होगा, पीड़ा होगी, सब कुछ होगा। बुढ़ापा ये एक रोग के समान है जिसे आने से कोई रोक नहीं सकता। फिर जब वो आगे चलते हैं, एक बीमार व्यक्ति देखते हैं, बीमार व्यक्ति देखने पे उन्हें पता चलता है कि दुख, इस व्यक्ति को भी दुख है, ठीक है, इसे भी पीड़ा है, ये भी सांसारिक मोह से नहीं निकल पाया, ठीक है। फिर आता है शव, शव देख के उन्हें ये लगता है कि एट लास्ट आपको मर जाना है, ठीक है, कि आपको सब कुछ झेलना है, सब कुछ आप प्रॉब्लम देखेंगे, सब कुछ देखेंगे, बीमारी देखेंगे, बुढ़ापा देखेंगे और एट लास्ट क्या होगा आपके साथ कि आप मर जाएंगे, आप दुनिया को छोड़ के चले जाएंगे, एक दिन आपको यही शव का रूप ले लेना है। और फिर एक सन्यासी को देखते हैं, एक सन्यासी, सन्यासी की क्वालिटी क्या होती है? वो हर हालात में खुश रहता है। कहने का मतलब है उसे सिर्फ जो फर्क पड़ता है वो ईश्वर से होता है, ठीक है। वो ईश्वर के संग ही खुश है, ईश्वर के संग ही दुखी है, उसे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रहती दुनिया से, किसी तरह की वो उम्मीद नहीं रखता, तो उसे फ़र्क नहीं पड़ता वो बूढ़ा हुआ, जवान है, वो बीमार है, वो स्वस्थ है, वो कब मर गया, कब वो शव के रूप में आ गया, उसे उससे भी फ़र्क नहीं पड़ता। तो उन्हें ये लगता है कि जो सन्यासी जीवन होता है उसमें मोह माया छूट जाती है, उसमें हमें कभी भी किसी चीज़ का दुख नहीं होता। यानी कि देखिए, जब कोई मरता है तो क्या होता है कि उससे जुड़े लोगों को दुख होता है ना, हमें भी अपने घर परिवार के लिए सोचना होता है, उनके लिए दुख होता है, जो हम आगे अपने होते हैं, जो हमारे करीबी होते हैं उन्हें चोट भी लगती है तो हमें दर्द होता है। लेकिन यहाँ पे सन्यास लेने पे, सन्यासी बनने पे क्या है, आपका ना घर है, ना परिवार है, ना पत्नी है, ना बच्चे हैं, कोई आपका नहीं, किसी के लिए आपको दुख नहीं, आपके लिए किसी को दुख नहीं, वो वाली चीज़ होती है। इसलिए यहाँ पे जो गौतम बुद्ध होते हैं वो सब कुछ छोड़ के सन्यास लेने की जो है शपथ ले लेते हैं, वो सोचते हैं कि मुझे सन्यास ले लेना चाहिए, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे इसे नोट कर लीजिए या फिर इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब हम आगे देखते हैं, चलिए आगे देखिए। बिना अन्न जल ग्रहण किए 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में वैशाख की पूर्णिमा को निगंजना या फल्गु नदी के किनारे पीपल के वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ था। सिद्धार्थ यानी कि कौन? महात्मा बुद्ध, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि महात्मा बुद्ध को ज्ञान कब प्राप्त हुआ था और कहाँ प्राप्त हुआ था, तो 35 वर्ष की आयु में महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और कहाँ पर हुई थी? वैशाख की पूर्णिमा के दिन हुई थी, ठीक है, मतलब वैशाख की पूर्णिमा की रात को हुई थी। कहाँ पे? निगंजना नदी के किनारे पीपल के वृक्ष के नीचे, ठीक है। कहाँ पे? पीपल के वृक्ष के नीचे, कहाँ? निगंजना नदी के किनारे, ठीक है। और जब महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हो गया था, यानी कि सिद्धार्थ नाम था, सिद्धार्थ को जब ज्ञान प्राप्त हो गया था, उसके बाद से उन्हें क्या कहा जाने लगा? बुद्ध कहा जाने लगा। यानी कि महात्मा बुद्ध का नाम महात्मा बुद्ध कब पड़ा था?
महात्मा बुद्ध का नाम महात्मा बुद्ध कब पड़ा था? जब उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। उससे पहले उन्हें किस नाम से जाना जाता था? सिद्धार्थ नाम से जाना जाता था। और वह स्थान जहाँ पे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी उसे क्या कहा गया? बौद्ध गया। क्या कहा गया? बौद्ध गया कहा गया। ठीक है, ज्ञान की प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ का नाम क्या पड़ा? बुद्ध पड़ा। और उन्हें किस नाम से जाना जाने लगा, मतलब उस स्थान को कहाँ किस नाम से जाना जाने लगा? बौद्ध गया। ठीक है, तो बुद्ध से अपना प्रथम उपदेश सारनाथ यानी कि ऋषि पतनम में दिया, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया है। तो यहाँ पे आपको क्या देखना है इस वाली पॉइंट में कि जो बुद्ध हैं उन्होंने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। कहाँ दिया था? सारनाथ में। सबसे पहला उपदेश महात्मा बुद्ध ने कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। और इसे क्या कहा जाता है बौद्ध ग्रंथों में? कहाँ पे? बौद्ध ग्रंथों में इसे क्या कहा जाता है? धर्म चक्र प्रवर्तन। ठीक है, प्रवर्तन, धर्म चक्र प्रवर्तन। तो यहाँ पे आपको ध्यान क्या रखना है, क्वेश्चन क्या आएगा, धर्म चक्र प्रवर्तन किसे कहते हैं? कैसे कहते हैं? जो महात्मा बुद्ध हैं उनके द्वारा दिए गए प्रथम उपदेश को धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे बौद्ध धर्म जो है वो पुनर्जन्म में मानता है, ये चीज़ है। बौद्ध धर्म पुनर्जन्म में मानता है, यानी कि उसका मानना है कि आपका जन्म होता है, आपकी मृत्यु होती है, आपका फिर से जन्म होता है, और पिछले जन्म जो है वो आपका जो अभी का जन्म है इससे पहले भी आपका कोई जन्म है जो कि आपसे कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है। ठीक है, पुनर्जन्म का मतलब ये होता है। फिर देखिए नेक्स्ट पॉइंट है, विश्व दुखों से भरा है। क्या? विश्व दुखों से भरा है। ये सिद्धांत बुद्ध ने कहाँ से लिया? उपनिषद से लिया। कहाँ से लिया? उपनिषद से लिया। कौन सा सिद्धांत? विश्व दुखों से भरा हुआ है, यानी कि दुनिया में बहुत से दुख हैं, यानी कि दुनिया में दुख भरे पड़े हैं, दुख ही दुख हैं। नेक्स्ट है, तृष्णा को क्षीण हो जाने की अवस्था, यानी कि आपके मन में जो मोह है वो खत्म होने की जो अवस्था होती है, क्षीण यानी कि कम होने लगता है जब, तो उसे बुद्ध ने क्या कहा है? निर्वाण। निर्वाण यानी कि आपके अंदर से मोह माया लालच सब खत्म होना, तृष्णा खत्म हो जाना। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, बौद्ध धर्म के बारे में हमें विशद ज्ञान त्रिपिटक से प्राप्त होता है, यानी कि हमें बौद्ध धर्म का ज्ञान किससे पता चलता है? त्रिपिटक से पता चलता है। त्रिपिटक कौन कौन से है? त्रिपिटक यानी कि बौद्ध ग्रंथ है ये। ठीक है, त्रिपिटक कौन कौन से हैं? विनय पिटक, सूत्र पिटक और अभिधम्म पिटक। तीनों के नाम याद कर लीजिएगा। त्रिपिटक कौन कौन से हैं? विनय पिटक, सूत्र पिटक और अभिधम्म पिटक। ठीक है, और तीनों पिटकों की भाषा क्या है? पाली। ये भी याद रखिएगा। तो यहाँ से आपको एक चीज़ और पता चलती है कि जो महात्मा बुद्ध थे, महात्मा बुद्ध ने अपने जो उपदेश दिए वो किस भाषा में दिए? पाली भाषा में दिए थे। ठीक है, क्योंकि अपने उपदेशों को ही उन्होंने त्रिपिटक में लिखा था, और वही त्रिपिटक जो है वो किस भाषा में है? पाली भाषा में। यानी कि जो महात्मा बुद्ध थे उन्होंने अपने जो उपदेश थे वो किस में दिए थे? पाली भाषा में दिए थे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं। त्रिरत्न कौन कौन से हैं? यानी कि त्रिरत्न की बात जैन धर्म में भी हुई थी, बौद्ध धर्म में भी त्रिरत्न की बात की गई है। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न कौन कौन से हैं? बुद्ध, धम्म और संघ, ये तीन त्रिरत्न हैं। ठीक है, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं बुद्ध, धम्म और संघ। ठीक है, तीनों का नाम याद कीजिएगा। बुद्ध के अनुयायी दो भागों में विभाजित हैं, कौन कौन से? भिक्षुक और उपासक। भिक्षुक कौन थे? देखिए, भिक्षुक वो लोग कहलाए जिन लोगों ने बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए संन्यास ले लिया। ठीक है, तो भिक्षुक कौन हुए? जो सन्यासी थे वो भिक्षुक हुए। और उपासक कौन हुए? जिन्होंने गृहस्थ आश्रम को अपना शुरू रखा, यानी कि गृहस्थ आश्रम का पालन करते गए और बौद्ध धर्म की भी स्थापना करवाई, यानी कि बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करवाया। यानी कि जैसे कि अगर आप लोग संन्यास लेते थे, घर बार त्याग दिया और उसके बाद आप बौद्ध धर्म का प्रचार कर रहे हैं कि आप बौद्ध धर्म को ज्वाइन कीजिए, बौद्ध धर्म ऐसा होता है, बौद्ध धर्म वैसा होता है, बौद्ध धर्म में शांति मिलती है, तो ये चीज़ें जो होती हैं वो भिक्षु कहलाए। और ऐसे कि आप बौद्ध धर्म को मानने लगे, आप घर में रह रहे हैं, आप अपना गेस्ट चला गए हैं, आपकी बीवी हैं, बच्चे हैं, सब है, परिवार है, ठीक है, आप उनके साथ कह गए हैं, उनके सुख दुख बांट रहे हैं, लेकिन आप साथ में बौद्ध धर्म को मानते हैं और बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, तो ये आप क्या कहलाए? उपासक कहलाए। ठीक है, तो भिक्षुक और उपासक में बस यही अंतर है। अब आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाकी एक बार थोड़ा सा और देख लेते हैं जल्दी से।
अब यहाँ पे देखिए, आपसे पहला क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है कि जो महात्मा बुद्ध हैं उन्हें ज्ञान की प्राप्ति कब हुई थी और कहाँ हुई थी? 35 वर्ष की आयु में हुई थी। कहाँ पे? वैसाख की पूर्णिमा को, निरंजना नदी के किनारे, पीपल वृक्ष के नीचे। ज्ञान की प्राप्ति के बाद ही जो सिद्धार्थ है उनका नाम बुद्ध पड़ा, और जहाँ पे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी उसे बोधगया नाम से जाना जाता है। ठीक है, उस स्थान को किस नाम से जाना जाता है? बोधगया। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था, जिसे बौद्ध ग्रंथों में क्या कहा जाता है? धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। ठीक है, बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म की मान्यता है। विश्व दुखों से भरा है, ये सिद्धांत कहाँ से लिया है जो महात्मा बुद्ध है उन्होंने? उपनिषद से। ठीक है, तृष्णा को क्षीण हो जाने की अवस्था को क्या कहा जाता है? निर्वाण कहा जाता है। बौद्ध धर्म के बारे में हमें विशद ज्ञान त्रिपिटक से मिलता है। त्रिपिटक कौन कौन से हैं? विनय पिटक, सूत्र पिटक और अभिधम्म पिटक। ठीक है, और तीनों पिटक की भाषा कौन सी है? पाली भाषा है। नेक्स्ट देखिए, बौद्ध धर्म के त्रिगत्न कौन से हैं? बुद्ध, धम्म और संघ। और नेक्स्ट है और लास्ट है कि बुद्ध के अनुयायी दो भागों में विभाजित है, कौन से? भिक्षुक और उपासक। भिक्षुक वो होते हैं जो बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए सन्यासी बन जाते हैं, और उपासक वो होते हैं जो बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार तो करते हैं लेकिन गृहस्थ आश्रम को लागू करते हुए, यानी कि गृहस्थ अवस्था में रहते हुए। ठीक है, तो चलिए यहाँ तक हो गया है आपका, आगे देखते हैं, कुछ पॉइंट और बचे हैं। चलिए आगे देखिए, चतुर्बौद्ध संगीति के बाद बौद्ध धर्म दो भागों, हीनयान और महायान में विभाजित हो गया। देखिए, आपके पास यहाँ पे ये क्वेश्चन नहीं आएगा कि ये कब विभाजित हुआ, बस आपसे ये पूछा जाएगा कि बौद्ध धर्म कितने भागों में विभाजित है। तो बौद्ध धर्म जो है वो आपका दो भागों में विभाजित है, कौन से दो भाग? हीनयान और महायान। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि बौद्ध धर्म कितने भागों में विभाजित है? दो भागों में विभाजित है, हीनयान और महायान। ठीक है, और अगर बहुत से बहुत आपसे पूछा गया तो ये कब विभाजित हुआ था, तो चतुर्बौद्ध संगीति के बाद ये विभाजित हुआ था। बौद्ध संगीति कौन सी हुई थी, कब हुई थी, ये चीज़ का जो बौद्ध मठ, जो बौद्ध मठ हैं, ठीक है, इन सब की जो लिस्ट है वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। ठीक है, अगर आपने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए कि बौद्धों का सबसे पवित्र त्यौहार कौन सा होता है? वैसाख पूर्णिमा होती है। ठीक है, जिसे क्या कहते हैं? बुद्ध पूर्णिमा भी कहते हैं। अब वैसाख पूर्णिमा या फिर बुद्ध पूर्णिमा क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इसी दिन महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था, इसी दिन उनको उन्होंने जो संन्यास लिया था, मतलब उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, और इसी दिन उनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, तो इस नज़रिए से ये जो वैसाख पूर्णिमा है या बुद्ध पूर्णिमा है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर देखिए, बुद्ध ने सांसारिक दुखों के संबंध में चार आगे सत्यों का उपदेश दिया है। कौन कौन से? यानी कि चार चीज़ों को सांसारिक दुख माना है। कौन से? दुख, दुख समुदाय, दुख निगोध और दुख निगोधगामिनी प्रतिस्पर्धा। ठीक है, चार आगे सत्यों का उपदेश दिया है। कौन कौन से हैं? दुख, दुख समुदाय, दुख निगोध और दुख निगोधगामिनी प्रतिस्पर्धा। नेक्स्ट है, इस सांसारिक दुखों से मुक्ति हेतु बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग की बातें कही हैं। ये साधन है, यानी कि दुखों से मुक्ति पाने के लिए बुद्ध ने आठ मार्ग बताए हैं। कौन कौन से? सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक क्रमांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। ठीक है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके साथ ही बौद्ध धर्म आपका कंप्लीट होता है, इससे ज़्यादा बौद्ध धर्म में कुछ नहीं आएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में जो कि हमारा डे 7 होगा, उसमें हम बात करेंगे शैव धर्म और वैष्णव धर्म के बारे में। तो आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।